जो अपने आप में ये सुंदर छवि व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति विशेष हैं। इनका नाम है राम प्रकाश मिश्रा। आप त्योंथल विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रचार प्रसार एवं शासन की योजनाओं का प्रचार हर तरीके से हर मुद्दे पर कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। आप पूरे चुनाव प्रक्रिया को किस नजर से देखते हैं? देखिए, चुनाव प्रक्रिया तो निर्वाचन आयोग का काम है, वो चुनाव प्रक्रिया अपनी कराएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम हुए हैं 5 सालों में, पिछले 3 बार की जो सरकार हमारी चौथी बार जो बनी है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 साल दिए गए हैं, इसमें 119 प्रकार के ऐसे काम किए गए हैं जो हमारे आने वाले चुनाव में हम लोगों को 200 के आसपास की सीटों को दिलाने में कामयाब होंगे। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, ये विश्वास है हम लोगों को। सर आप पिछले कई महीनों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपके मुताबिक त्योंथर की जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है जो आगामी चुनाव को लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मूलभूत समस्याएं जनता की जो है वो स्थानीय रूप से है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से त्योंथर में रही है, उन्होंने हमेशा त्योंथर की समस्याओं पर विचार मंथन किया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो थी वो सिंचाई की परियोजनाओं की थी, जिसके लिए नहरों का जाल बिछ चुका है। कुछ जगहों पर जहाँ बचा है वहां पर चल रहा है, कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, जिसको अभी वो स्वीकृत करा दिया गया है, भूमि पूजन भी हो चुका है और आने वाले समय में वो निर्माण भी पूरे होंगे। साथ ही कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे अब आबादी बढ़ गई है तो कुछ एक स्थानों पर विद्यालयों को जो 8 तक है उनको इंटर तक की मांग की जा रही है, वो एक स्थानीय मुद्दे हैं। उसको वहां की जनसंख्या के आधार पर ही विचारने योग्य है। कुछ आवारा पशुओं की समस्याएं हैं जहाँ पर कि आए दिन विवाद भी होते हैं अपने अपने क्षेत्र के सीमांकन को लेकर के, अपने अपने क्षेत्र की खेत की रक्षा के लिए इस तरीके का, तो इसके लिए भी हमारे यहाँ बसावन मामा का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें गाय से बने हुए तमाम चीजों का उत्पादों का काम किया जा रहा है। तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देकर के ये समस्याओं का भी हल भी निकाला जा सकता है। और क्षेत्र की समस्याओं में हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी जनसंख्या के आधार पर बढ़ता ही है, जिसके लिए भी लगातार इतने बड़े हॉस्पिटल का हमारे यहाँ शिलान्यास भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है और शीघ्र ही एक 100 बेड का एक बहुत बड़ा विस्तृत अस्पताल होगा। अभी 2 दिन के पहले आपने देखा होगा कि सीएम राइज विद्यालय का 4 मंजिला बिल्डिंग जो 43 करोड़ की लागत से बनकर खड़ा हो रहा है। तो त्योंथर में विकास की कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर लगातार विकास के कार्य किए हैं। कुछ एक चीजें अगर जनता की अगर रह गई है, जैसे मैंने कहा विद्यालयों को लेकर के, तो जनसंख्या के आधार पर चिन्हित करके आने वाले समय में उन विद्यालयों को देखा जाएगा और उसमें कोशिश की जाएगी कि वो इंटर तक हो जाए। और इसके साथ ही जो कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था है, वो सिंचाई की व्यवस्था की मांग कहीं पर हम लोग जाते हैं तो होती रहती है कि यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको भी चिन्हित करके वहां पर भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। परंतु सारी चीजें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने त्योंथर को एक एक अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति अंतिम गांव तक जाकर के उसको देखा है और समझा है और उसको किया है। और जो बचा होगा वो भी पूरा हमारी ही सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीती हुई सरकार ही करेगी। आप बीच बीच में दीनदयाल नयन ज्योति शिविर का आयोजन करते हैं और लोगों को जो असहाय लोग हैं या जो कहें नेत्रहीन हैं, ऐसे लोगों को आप चश्मा वितरण करते हैं। बीच में एक सत्यम मिश्रा नाम के कोई बालक है, उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया था सोशल मीडिया में, काफी वायरल भी हुई थी ये वीडियो। तो इस पूरी घटना को कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनावी चीजें हैं, चुनाव नजदीक आ गए हैं, इस वजह से आप कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो हमारे पार्टी के संस्थापक, जो जनसंघ के संस्थापक थे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे पार्टी के पितृपुरुष हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। वह उनका ये विचार जो हम लोगों को प्रेरित करता है कि अंत्योदय
अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए। और हमारे क्षेत्र की समस्याएं नेत्र से संबंधित जो होती हैं उसमें बहुत देर हो जाती है, थोड़ा धुंधला दिखता है, फिर काफी समस्याएं कुछ दिन बाद पता लगता है, कहीं कहीं पर बाद में ये समझ में आता है कि इनकी आंख की पुतली में कोई बड़ी समस्या आ गई, तो लोग जा नहीं पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नयन ज्योति शिविर के माध्यम से मैंने विभिन्न स्थानों पर करीब 10,000 के आसपास चश्मों का वितरण, मैंने इसका कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया है, अपने सहयोगियों के माध्यम से और अपने माध्यम से मैंने 10,000 चश्मों का वितरण किया। उसमें बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकाले गए थे और स्थल पर भी उसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, ना कि किसी भी तरीके का इसमें जाति पाति या किसी भी तरीके का इसमें पार्टी या चुनाव से संबंध था, क्योंकि ये हमारी संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा है कि हम जहां तक पहुंच सकते हैं गरीब कल्याण के लिए, दुखियों के लिए, और जो अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति है, हमने इसी क्रम में हाथ त्योथर में भी लगाया, इसी क्रम में हम गढ़ी तक गए क्योंकि गढ़ी के लोग त्योथर तक नहीं आ पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चलने में सहाय हैं, उनके पास संसाधन नहीं था का और हम उनको खोज के ला नहीं सकते थे, तो इस क्रम में हमने गढ़ी में लगाया, फिर इसके बाद हमने रायपुर सनोरी में लगाया, फिर उसके बाद हमने चारघाट में भी लगाया, और चुनाव आते जाते रहेंगे, आगे आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी लगाएंगे और स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे और नेत्र जांच शिविर लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की ये प्रेरणा है, हमारी पार्टी की प्रेरणा है और हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपने पार्टी के पितृ पुरुष और उनके संस्थापक के आदर्शों पर चलते रहे। आप एक सफल व्यवसायी माने जाते हैं और व्यवसाय को लेकर काफी एक्टिव भी है, तरह तरह देश विदेश हर जगह आपका दौरा भी चलता रहता है। त्योथर विधानसभा क्षेत्र पिछले कई महीनों से आपसे शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो अछूता होगा, तो आप पूरे व्यवसायी जो हमारे क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं इनको कैसे देखते हैं, क्या इनके व्यवसाय उज्जवल हैं या आगे आपकी पार्टी या आप ऐसा कुछ उद्देश्य लेके आ रहे हैं जिससे इनको लाभ मिले? देखिए ऐसा है कि व्यवसायी जितने भी हैं अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पर पार्टी और सरकार का काम होता है उनको सुविधाएं देना, उनको स्थल मुहैया कराना, उनको किसी भी प्रकार की समस्या न आए और अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाएं और बृहद स्तर के व्यापार को स्थापित करें, इसके लिए सारी सुविधाओं को मुहैया कराना। इस क्रम में अगर आपने देखा है तो घूमा में औद्योगिक विकास को माननीय विधायक जी के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पर त्योथर में उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया और वहां पर सारे विकास के कार्य जो प्रारंभिक रूप से वो शुरू हो चुके हैं। तो व्यवसायिक रूप से त्योथर में बहुत स्कोप है और दूसरा पर्यटन, त्योथर में पर्यटन है क्योंकि दो तरफ से नदियों से और एक पहाड़ से घिरा है, तो पर्यटन के रूप से व्यवसाय की बहुत असीम संभावनाएं हमको नजर आती हैं। घूमा औद्योगिक क्षेत्र में हमको बहुत संभावनाएं नजर आती हैं और इसके साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर मेरी एक और मंशा भी है कि मैं आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ये कहूं कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना मेडिकल कॉलेज की जाए, यदि इतना हो जाता है तो हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं को घूमा औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन विकास और विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर बहुत ढेर सारे स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे जो हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और व्यापार बहुत पनपेगा। यदि इतना हो जाता है तो हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं को घूमा औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन विकास और विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर बहुत ढेर सारे स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे जो हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और व्यापार बहुत पनपेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और यूं कहूं तो आप पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। आप भी चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं और आप भी दावेदारी पेश करते हैं, तो पूरी दावेदारी को आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या मंशा है? क्या अगर आपको टिकट मिलता है तो आप मैदान में रहेंगे या किसी अदर को टिकट मिलता है तो आप किस तरीके से उनके साथ सपोर्ट करेंगे या करेंगे? देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता की जो परंपरा है वो कार्य करने की है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि वो टिकट मांगे, टिकट के लिए कहें, जैसा कि हम भी यहाँ समाज सेवा के रूप में, समाज सेवी के रूप में आए। और मैं, आपने जिक्र किया तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि हमने समाज सेवा के माध्यम से बहुत ढेर सारे CSR के काम पहले किए, परंतु इस क्षेत्र में आने के बाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको गलत नजरिए से कि भाई चुनाव के लिए आए ऐसा विरोधियों का कहना प्रारंभ हुआ, परंतु जनता देख चुकी है कि हमने जिस प्रकार से लोगों की सेवा की,
हमारे पार्टी की जो प्रेरणा है, अन्य कार्यकर्ता जिस प्रकार से सेवा में जुटे हुए हैं, पार्टी किसी को भी अवसर देगी वो चुनाव लड़ेगा, यहाँ से चुनाव जीतेगा। हमारी पार्टी किसको भी देगी, मुझे देगी तो अन्य कार्यकर्ता मेरे साथ रहेंगे, अगर अन्य कार्यकर्ता को देगी तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके साथ रहेंगे और भारी मतों से उनको चुनाव जितवाएंगे। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, आप विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, तो आपके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, क्या ऐसे उद्देश्य हैं जो आप लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपने लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बनाएंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी पार्टी ने पिछले कई वर्षों में सरकार के माध्यम से तोथर की छोटी छोटी समस्याओं पर विचार करके उसको दूर किया है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जरूरतें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ती है। यदि आने वाले समय में मुझे अवसर मिलता है, मैं जाता हूँ विधानसभा में, तोथर की जनता आशीर्वाद देती है, हमारी पार्टी मुझे टिकट देती है, साहब कह रहे हैं, तो मेरे पास जो मुद्दे हैं वो दूसरों के पास भी वही मुद्दे अलग नहीं है, मगर तोथर को पर्यटन के रूप में विकसित करना, घूमा औद्योगिक केंद्र को वृहद स्तर पर स्थापित करना और तोथर में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना मेरा प्रमुख काम होगा, जिसको कर देने के बाद से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक ऐसा माहौल तैयार होगा जिसको तोथर को विकसित करने में बहुत आसानी होगी। तो ये तो हमारी पार्टी स्वतः सोचेगी और हम लोग अगर अवसर मिलता है तो ये तो हमारे एजेंडे में है, हमारे कार्यक्रम में, हमारी पार्टी के कार्यक्रम में है, आने वाले समय को तोथर को और कितना सुंदर बना दे ये हम भी सोच रहे हैं, हमारी पार्टी भी सोच रही है और मौका मिलेगा तो जरूर बात को रखेंगे। तोथर में एक प्रमुख मुद्दा जो काफी वर्षों से चला आ रहा है और ये कहूँ तो अभी फिलहाल में भी ये मुद्दा दौड़ रहा है, लोगों की मांग है तोथर को जिला बनाया जाए। हमारे इस मुहिम में कई सारे युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, सामाजिक लोग, कई सारे संगठन और राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, सबका कहना है कि तोथर को जिला का दर्जा मिलना चाहिए, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि रीवा का जो क्षेत्रफल है, रीवा जिला का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और तोथर जहां पर स्थापित है वहां से प्रयागराज की दूरी बहुत कम है और लोगों को अधिक आसानी होती है प्रयागराज से शिक्षा लेने में, प्रयागराज से खरीदारी करने में, अपने विशेष कार्यों में और प्रयागराज में चिकित्सा सुविधा के लिए भी आसानी नजदीकी से पहुंचा जा सकता है। तो ये अपने मुख्यालय रीवा से थोड़ा दूरी पर स्थापित है, तो ये बात हमेशा से रहा है कि जितने कम से कम दूरी में अगर जिला का खंड किया जाए तो तोथर को जिला बनाया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जिले की मांग को आगे रखा जाएगा और रखा गया है। और जिला जैसा कि आपने देखा है कि मऊगंज को जिला बनाया और उस जिले में हमारे तोथर खंड को उससे नहीं जोड़ा गया है, तो ये निश्चित रूप से हमारे पार्टी में, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर सोचा है कि निकट भविष्य में तोथर को जिला बनाने का एक स्कोप छोड़ा है और निश्चित रूप से जिला बनेगा, ये मेरा विश्वास है। आज गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर है और पिछले 1 अक्टूबर को आप सब ने, या यूं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के देश की सरकार माननीय मोदी जी के आह्वान पर आप लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत कई जगह साफ सफाई कई आयोजन किए गए, जगह जगह देखा जाता है कि सफाई को लेकर या आपकी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश प्रदेश में आपकी सरकार है, साफ सफाई बहुत कम देखने को मिलती है, तो इसमें क्या एक दिन का ही सफाई कार्यक्रम था या आप लोग हमेशा इसे आगे बढ़ाते रहेंगे और जनता को संदेश देते रहेंगे? देखिए ऐसा है कि इस बात से आपकी मैं सहमत कम हूं कि सफाई देखने को नहीं मिली है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से इस देश में सरकार आई है, आदरणीय मोदी जी ने साफ सफाई के ऊपर जितने कार्य किए हैं 75 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में उसके आधे को नहीं 10% भी काम नहीं किया गया। इसका कारण था कि समय समय पर तमाम बीमारियां आई और लोग अनायास अपने प्राणों को गवा गए, तमाम महामारी आई। आपने देखा होगा कि करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया है, प्रतिवर्ष गांधी जी की जयंती पर, राष्ट्रपिता गांधी जी की जयंती पर, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और उनके आह्वान पर हम सभी कार्यकर्ता एक संदेश देते हैं जगह जगह जाकर के करोड़ों की संख्या में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के
अधिक से अधिक कार्यकर्ता सड़कों पर आते हैं और साफ सफाई करके संदेश देते हैं कि अपने घर को, अपने गांव को, अपने गली को, अपने परिवार को, जहां आपका रहता है, आपका समाज जहां बसता है, हर जगह पर आप साफ सफाई को इस प्रकार से रखें कि किसी तरह की बीमारी आपको न लगे। स्वच्छ समाज, स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज से तन ये स्थापित करता है, एक स्वच्छ समाज को उसको आगे ऊर्जा देता है, गति देता है। इसलिए ये आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा है, उनका आह्वान है। आज अगर आप देखते होंगे तो हमारे रेलवे स्टेशन के स्थिति आपको नजर आती होगी। आज अगर आप सड़क पे एक कोई पैकेट भी फेंकते होंगे तो आज छोटा सा बच्चा आपको कहता होगा कि ऐसा मत करिए, मोदी जी ने मना किया है। क्योंकि मोदी जी ने सफाई पे जो काम किया है वो हम लोगों के लिए प्रेरणा है। हम लोग रात दिन जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने एक दिन के लिए हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए खुद आते हैं और हम लोगों से कहते हैं। परंतु हमारा ये कर्तव्य और हमारा ये धर्म है कि हम जहां देखेंगे और समझ में आएगा वहां लोगों को प्रेरित करने के लिए हमेशा सफाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो हम बात कर रहे थे त्योंथर विधानसभा की और त्योंथर में ही है, तो त्योंथर की ही ज्यादा बात करें तो ये अधिक अच्छा है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे है प्रदेश की राजनीति को लेकर। वर्तमान में विपक्षियों का कहना है या जो अभी तक सर्वे आ रहे हैं उनमें कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो दूसरी लिस्ट अपनी जारी की है तो उसमें कई सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री को भी विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उतार दिए। तो इस पूरे कार्यकाल को या इस पूरे नजरिए को आप किस तरीके देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है विपक्षियों से, या भारतीय जनता पार्टी सांसदों को उतार कर कुछ संदेश देना चाह रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़े कार्यकर्ता के साथ, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के साथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जो पार्टी काम कर रही है, देश भी नहीं 140 करोड़ भारतवासियों के साथ पूरी दुनिया में भारत की यश और कीर्ति का बखान हो रहा है, उस पार्टी को डरने की क्या आवश्यकता? सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, पार्टी ने जो बदलाव किए हैं, देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है, उनके सर्वे में ऐसा लगता है या उन्हें ऐसा लगता है कि बदल देने से विकास की गति और तेज होगी, तो शीर्ष नेतृत्व निश्चित करेगा। और बदल देने से जिन अनुभवी लोगों की आवश्यकता हमारे मध्य प्रदेश को संचालित करने में, उनके नेतृत्व में सरकार बनाने में लगेगी, उसको हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी उसको जरूर करेंगे। क्योंकि हमारा मूल मकसद सरकार बनाना नहीं, सरकार को गति देकर के मध्य प्रदेश को विकास के पटरी पर दौड़ाते रहना है और इतना आगे निकाल देना है कि आने वाले समय में जब दुनिया में हमारी इकोनॉमी तीसरे से पांचवें से तीसरे पायदान पर आए तो मध्य प्रदेश का एक भारी योगदान हो। इसलिए मध्य प्रदेश की विकास की गति चलनी चाहिए, जिसके लिए शीर्ष नेतृत्व तो अवश्य बदलाव करेगा और जरूरत होगी तो और बदलाव किए जाएंगे। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ एक व्यक्तित्व के धनी समाजसेवी, लगातार त्योंथर में सक्रिय हमारे विधानसभा क्षेत्र के नेता रामप्रकाश मिश्रा जी के साथ आपकी मुलाकात हुई। जल्द ही त्योंथर मागे विकास की पहल पर हम अन्य सहयोगी समाजसेवियों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।